नमस्कार दोस्तों, बबलू पूनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर ट्रोली भर रहे हैं खेत में और आप देख सकते हैं इधर पेड़ों की निशानी देख लो। दोस्तों चौथी ट्रोली भर रहे हैं हम खेत में। किसी भाई को यकीन ना आ रहा हो अच्छा गन्ना निकल रहा है तो यहाँ आके देख सकता है खेत में, क्योंकि ये करीब 25 मीटर चौड़ा जो है, 25 नहीं करीब 20 मीटर चौड़ा एक काट जाता है और ये कट जाता है एक सार बिल्कुल ट्रोली हो जाती है। अब भी खेत में जो है 95 छाना पूली भरी हुई है और हम 85 पूली भरेंगे। बिंदर चौथी पूली हो गया, चौथी ट्रोली? हाँ चौथी है, चौथी है। ये हमारा ठेकेदार है, हाई स्मार्ट लड़का। और ये दोस्तों ये नीचे जो है इस तरह हमारे मिल में जाल सिस्टम है, ये जाल बिछाया जाता है आप देखेंगे। अब जाल बिछ गया है और फिर इसके बाद में जो है ये यहाँ पे जब फालतू जाल हो जाएगा ये वाला, तो इसे हम दूसरे जाल में डाल के एक तरफ खींच देते हैं, तो इससे ये गन्ना लोक हो जाता है। और मैं जब ट्रोली भरेंगे तब आपको देखूंगा। भाइयों ट्रोली भर गई और 11 बज गए, होश है ख़राब बिल्कुल। आप देख सकते हैं गन्ना बहुत लंबा है, काफ़ी बढ़िया मोटा क्वालिटी का है ट्रंच का। और अब रस खींचने में लग रहे हैं, रस्सा खींच के ट्रैक्टर को बाहर निकाल लेंगे। पत्ती पर ट्रैक्टर खड़ा रखना अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों कई बार मैंने देखा दुर्घटना हो जाती है ट्रैक्टर को, कुछ लोग ऐसे ही छोड़ दें और उनके साथ दुर्घटना घट जाती है। कृपया अपने ट्रैक्टर को ट्रोली भरने के बाद में बाहर निकाल दें किसान भाई। आज गांडे मुझे सीजल से लग रहे हैं। कदी 39 39.5 तुले हैं जी, छोटे छोटे मैसी पर तुल जाते 43 44। घस दे साले को, घस दे सुसरे को। हाँ उंगे लिया फटाफट, मगर ज्यादा चूक के तो देख लेते। हाँ इंगे नीचे हो गया गियर दुमा। दोस्तों थोड़ा इसे खड़ा करके थोड़ा काम करेंगे, ट्रैक्टर को खड़ा कर देंगे उधर कॉलोनी में। ट्रैक्टर चला गया है दोस्तों, ट्रैक्टर को ला के छाया में खड़ा कर दिया था और थोड़ा सा काम किया था डिवेलप है। पेड़ बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है और अब पेड़ के नीचे कोई भागता है, सभी आदमी हो या जानवर कोई भी चीज़ हो मतलब। तो दोस्तों अब चलते हैं घर, शाम को ट्रॉली जाएगी मिल पर। और आप देख लो गन्ना जो है ट्रंच का काफ़ी मोटा है। बस इसमें तो किसान भाइयों एक समस्या यही है कि इसके जो ट्रंच के उपकरण हैं वो ही महंगे हैं। अगर किसी किसान के पास में मान लो 50, 60, 70 या 100 बीघे ज़मीन है तो वो ट्रंच से गन्ना बोल रहे उसे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जैसे हमारे पास जो ज़मीन कम है 30-35 बीघे का किसान दोस्तों घर का पालन पोषण करे या सोंज बनावे बहुत ही दिक्कत पड़ती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।